नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंद्रराज। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस के बारे में। इस चैप्टर में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि ड्रग्स होते क्या है और इसके पर्पस क्या है, और जब ये हमारे बॉडी में आता है तो ये क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, ये सभी के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे टर्मोलॉजी के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रग्स होता क्या है। तो ड्रग्स क्या है, या एक प्रकार का सबस्टांस है जो कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करने में, उससे प्रोटेक्ट करने में और डायग्नोसिस करने में यूज किया जाता है, WHO के थ्रू, या अलग डिफिनेशन होता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रग्स है क्या। तो ड्रग्स इज अ सबस्टांस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। मैंने अभी बताया कि ड्रग्स क्या है, या एक प्रकार का सबस्टांस है जो यूज करते हैं कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करने में, डायग्नोसिस करने में और ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO के थ्रू बोला गया कि ए ड्रग्स इज एनी सबस्टांस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड मॉडिफाइड एक्सपोर्ट फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ रिसिपिएंट। बोला क्या क्या कि यह एक प्रकार का सबस्टांस है जो क्या करता है, या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसको इंटीमेट किया गया, मतलब चेंज किया गया हो, चाहे वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, चाहे वो ड्रग सॉलिड के फॉर्म में हो, तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट में उसको चेंज किया गया हो, और वो क्या करता हो, फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल जो फंक्शन है उसमें चेंजिंग लाता हो, तो उस अस्थि को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं, और वो किसके लिए, जो रेसिपिएंट हो उसके लिए फायदेमंद हो। जैसे कि फ्रेंड्स ऊपर के जो डिफिनेशन था इसमें क्या बोला गया कि ड्रग्स इज अ सबस्टांस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, प्रोटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स हम लोग को कहां कहां से प्राप्त होते हैं। ड्रग्स मेनली दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक बाय नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। सिंथेटिक कहने का मतलब जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो चेंजिंग करके जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं। अब बात की नेचुरल के बारे में, जो नेचुरली मिलता है, तो चले इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल में दो आते हैं, प्लांट, एनिमल्स एंड इनऑर्गेनिक। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट से हम लोग को क्या क्या मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बेसिक है। तो प्लांट से हम लोग को मिलता है एट्रोपिन, मोर्फिन, क्यूनिन, डिजॉक्सिन। एनिमल से मिलते हैं इंसुलिन, हेपारिन, एंटीटॉक्सिक सीरम। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक, जैसे कि जितने भी इनऑर्गेनिक सबस्टांस है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, आर्सेनिक, लिथियम, तो ये सभी क्या इनऑर्गेनिक है। बात करते हैं आगे कि सिंथेटिक में कौन कौन आते हैं, तो प्रोपेनॉल, पेनिसिलिन और ह्यूमन इंसुलिन। ये सब क्या है, सोर्सेस है, मेनली दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में तीन आते हैं, प्लांट, एनिमल्स एंड इनऑर्गेनिक। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे हम लोग ड्रग्स लेते हैं तो क्या क्या होता है हमारे बॉडी के साथ में, और क्या क्या देखने को मिलता है, ये सभी के बारे में बात करूंगा टर्मोलॉजी के साथ में। तो प्लीज फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टर्मोलॉजी, तो आप इसे ध्यान से देखें और एक एक करके नोट्स बनाते जाए, आपको नोट्स भी साथ में प्रिपेयर हो जाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ टर्मोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक, टॉक्सिकोलॉजी एंड केमोथेरेपी और ड्रग एब्यूज, ये सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं किसको है। तो बोला गया इट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग्स। दैट मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स। बोला गया कि हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी किसका करते हैं, कि जो ड्रग्स है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, उसका एक्सक्रिएशन कैसे हो रहा है, तो ये सभी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। दैट मींस सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी उस ड्रग्स के साथ किस तरह से वर्क किया है उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। तो वही बोला गया कि दैट मींस द बॉडी डज टू द
ड्रग्स, बॉडी हमारा ड्रग्स के साथ क्या क्या एक्ट किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टडी को, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट द ड्रग्स डस टू द बॉडी। सेकंड जस्ट इसके उल्टा बोला गया कि जो फार्माकोडायनेमिक्स किसे बोलते हैं कि इसमें जो हमारा ड्रग्स है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या मेटाबॉलिज्म यानी क्या क्या अपनी एक्टिविटी शो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब उसके बारे में स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि ड्रग्स हमारे बॉडी में क्या अफेक्ट करता है, क्या उस पर असर दिखाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। दोनों क्लियर हो गया होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स करने का मतलब हमारा बॉडी उस ड्रग्स पे किस तरह से एक्ट किया है उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स की जो हमारा जो ड्रग्स हम ले रहे हैं वो क्या क्या हमारे बॉडी पे अफेक्ट करता है, क्या क्या एक्ट करता है, ये सभी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। सेकंड बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, कि बोला कि इट डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन। जब कोई भी ड्रग्स अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाता हो तो, या फिर जब हम पॉइजन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। जैसे कोई भी ड्रग्स लेने से आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है इसी को क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। लास्ट बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में, कि इट इज द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। जब हम कोई भी ड्रग्स का यूज करते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। लास्टली ड्रग्स एब्यूज के बारे में, कि इट इज इनअप्रोप्रिएट इनटेक ऑफ सबस्टांस आइदर कंटिन्यूअसली या फिर पीरियडिकली। इट है बोला गया कि जब भी हम ड्रग्स को इनकंटिन्यूअसली, आज लिए कल छोड़ दिए, कल लिए परसों छोड़ दिए, इस तरह से अगर इनकंटिन्यूअसली ले रहे हैं या फिर पीरियडिकली, इस सप्ताह लिए अब अगला सप्ताह नहीं लेंगे, नेक्स्ट सप्ताह लेंगे, जैसे कि बहुत लोगों को क्या होता है फीवर होता है, तो फीवर हुआ तो क्या हुआ कि एक अभी एक दवाई खाए अगर ठीक हो गया तो फिर क्या होता है बीच में छोड़ देते हैं, फिर से आया तब फिर से लेंगे, तो उस तरह के लेने के कारण उसी को क्या बोलते हैं, ड्रग्स एब्यूज बोलते हैं। तो इसका दो फैक्ट देखने को मिलता है, सबसे पहला ड्रग डिपेंडेंस। अब उसको देखते हो कितने पर्सन है उसको थोड़ा सा हेडेक होगा तुरंत से दवाई लेगा, मतलब उसको अब क्या होगा ड्रग्स ड्रग्स पे इंडिपेंडेंस रहता है। दूसरा ड्रग्स हैबिटेशन, दोनों ही लगभग सेम वर्ड है, मतलब हैबिट हो जाना, आदत लग जाना, उसी को क्या बोलते हैं, हैबिटेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स और डिफरेंट डिफरेंट टर्मोलॉजी है जैसे कि साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ये सब देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर बेसिकली ये सभी टर्मोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे फार्माकोलॉजी का जो वीडियो है ड्रग्स रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जाकर देखें, आपको बहुत ही सारे मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे की ओर इस चैप्टर में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग्स, जैसे कि जितने भी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे तो अब उसका कहाँ कहाँ रूट्स है, किस किस माध्यम से हम देते हैं वो सभी के बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली दो माध्यम से जाता है, इंटीरियर और पेरेंटरल। इंटीरियर यानी एलिमेंट्री का मतलब जो खाकर जो हम लोग मौत को ओरली जो लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। और जो बात किया गया पेरेंटरल यानी जो हम लोग आईवी जो वेन ये सब में हम लोग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरेंटरल बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से मीडियम है वो सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग ओरली देते हैं, दूसरा सब लिंगुअल जो हम लोग टंग के नीचे में देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल बोलते हैं। थर्ड बात करते हैं इनहलेशन, यानी जैसे कि एनेस्थेटिक ड्रग्स वगैरह होते हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया या फिर जो हम लोग नाक में सूंघने वाला जो एक यूज करते हैं तो भी क्या इनहलेशन के फॉर्म जो हम सांस लेते हैं तब वो क्या होता है, मेडिकेशन अंदर जाता है और अपना वर्क करता है। फिर बात करते हैं इन कॉन्सेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन बोलते हैं, इन
एक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन बोलते हैं, जैसे कि जितने भी ऑइंटमेंट हो गया ये सब को जब यूज करते हैं जो वाली चीज होता है उसको हम स्किन पे जब लगाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इन ऑसम बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन। फिर बात करते हैं इंस्टीलेशन। इंस्टीलेशन क्या है इसके बारे में कि जैसे कि जो हम लोग आई में या फिर नोज में जो हम लोग ड्रग्स जो लिक्विड के फॉर्म में जो हम लोग लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टीलेशन बोलते हैं। इंसर्टेशन क्या बोला गया, जैसे कि सपोजिटरी वगैरह जो हम लोग देते हैं जो जिससे क्या होता है कि जो स्टूल है वो स्मूथली बाहर आउट होता है तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं उसे सपोजिटरी को हम लोग क्या बोलते हैं इंस्टीलेशन इंसर्टेशन बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात किया गया कि ऐसा ड्रग्स जिसको हम लोग टिश्यूज के अंदर में रखते हैं, जैसे कि हम बताते हैं जो पैचेस लगाकर जो लगाया जाता है दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। ये सभी टर्मोलॉजी को फार्माकोलॉजी में भी आप पढ़िएगा तो मैं इसके बारे में बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिर तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो प्लीज़ ड्रग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो फार्माकोलॉजी लेक्चर है उससे प्लीज़ ज़्यादा देखें जल्दी देखें ताकि ये सभी आपको डीपली पता चले। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इधर पेरेंटल के बारे में, तो सबसे पहला बात करते हैं इंट्रामस्कुलर, जो माँ जो मसल्स में जो दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। सबक्यूटेनियस, जो सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं सबक्यूटेनियस। फिर इंट्राडर्मल, जो स्किन में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं इंट्राडर्मल बोलते हैं। इंट्राभेनस, जो वेन में दिया जाता है ड्रग्स उसको क्या होता है इंट्राभेनस बोलते हैं। इंट्रा आर्टेरियल, जो आर्टरी में दिया जाता है उसको इंट्रा आर्टेरियल बोलते हैं। इंट्रा कार्डियल, जो कार्डियक मसल्स में दिया जाता है उसको क्या होता है इंट्रा कार्डियल बोलते हैं। इंट्राथेकल स्पाइनल कैविटी, इंट्रा ऑस्कर बोन मैरो एंड इंट्रा पेरिटोनियल यानी पेरिटोनियल लेयर में दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रा पेरिटोनियल बोलते हैं। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो है ड्रग कैलकुलेशन, बहुत ही मजेदार, जो आप उसे समझिएगा तो बहुत ही आपको मजा आएगा और न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज फ्रेंड्स हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।